नारळ देण्यातले रूम काढींची अडींची लिया कोई नहीं। वी आर लाइव ऑन यूट्यूब। सबसे पहले थोड़ी सी अपॉलॉजी, जब लाइव लेके जा रहा था तो शायद कुछ नाम गलत हो गया, पूरा नाम नहीं लिख पाया, सरनेम लिख पाया, तो आप लोग तो थोड़ा समझ लेना। यस, तो जो भी लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, आज हमारे साथ संगीता दीदी है। एंड संगीता दीदी, वेलकम टू द सेशन। सत्वा टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, आज संगीता दीदी आई है। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लाइव जाने से पहले लिखने में, अपने आप चला गया वो। तो आई होप यू एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज फॉर दैट। यस, एंड आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर तुम ना होते, दिस इज द टॉपिक ऑफ द सेशन। एंड आज जो डिवोटी होते हैं ना, उनके ना कुछ हम कॉर्ड्स टच करते हैं, ऐसे जो सेशंस होते हैं जिसमें गुरुदेव की बातें होती है, जिसमें गुरु स्टोरीज होती है, वो सेशन में भक्ति होती है। और भक्ति एक ऐसी चीज है ना, मैंने कई जब टीचर्स आते उनसे मैंने सुना था, एनलाइटमेंट एंड एनलाइटनमेंट के पीछे लोग भागते हैं, लेकिन जो भक्त होता है ना, उसे एनलाइटनमेंट की भी नहीं पड़ी होती है। एंड व्हाट इज दैट, वो आज जानेंगे। गुरुदेव है कैसे हमारे लाइफ में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एंड जैसे इस सेशन का पर्पस है, सबके चेहरे पर मुस्कान लेके आए, सबकी लाइफ सेलिब्रेशन बने, और हम चारों तरफ एक स्ट्रेस फ्री, वायलेंस फ्री सोसाइटी का निर्माण करें, यही गुरुदेव का विजन है। गुरुदेव के विजन को अपना मिशन बना लिया है, पूरी तरह बना लिया है, और उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। एंड आज हमारे साथ संगीता दीदी है। उनके बारे में बहुत लोगों ने कुछ पढ़ ही लिया होगा मैसेज में, बट जो लोग नए हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि शी इज इन आर्ट ऑफ लिविंग सिंस 2004। She is the first Art Excel teacher of Goa, and she teaches happiness program also. She is a good organizer and a very good stage artist. She has also worked in Doordarshan serials, and today she is there with us. So, Didi, आज का जो topic है, अगर तुम ना होते, तो Didi इसके बारे में बताइए please. Yes, Didi. हर एक को पहले मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू बिकॉज यू आर कंटिन्यूइंग टू यू नो माला बनाते हैं आप डिवोटी की सबकी 2 साल से, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ यू डू इट। सो यू डू इट बिकॉज ऑफ हिम, अगर वो नहीं होती तो आप भी नहीं वो करते, बराबर है ना? तो वो नहीं होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती, वो जिंदगी भी क्या जो वो नहीं है, है ना? बराबर ना? तो हम किसके लिए जीते हैं? अगर वो हमारी जिंदगी में नहीं है तो हमारी जिंदगी कैसी होती है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट हिम, एंड वी रिमेम्बर लाइफ विथ हिम ओनली। विदाउट हिम लाइफ वी कैन नॉट रिमेम्बर, एंड व्हेन यू रिमेम्बर लाइफ विथ हिम, then we are so grateful for his presence in our life. Aren't we grateful? Yeah? So we are grateful for the blessings he has given us. And he has blessed us without asking. Just tumhare ek man mein vichar aaya aur jat se ho gaya. Aur aap bhi sochte rahe ye kaisa ho gaya. Hai na? Mere zindagi mein bhi aisa hi ho gaya. Wo nahi hote to main kidhar hoti mujhe pata nahi. मगर मैं होती भी वो भी पता नहीं, और हर एक के जिंदगी में वो कुछ एक्सपीरियंस देके ऐसा सुगंध छोड़ के ही जाते हैं हर एक को, कितना भी दूर हो, कितने ही नजदीक हो, वो हमेशा हमारे दिल में ही बैठे रहते हैं। वो तुम्हारे जगह बना लिया, कोई निकाल ही नहीं सकता। नो वन कैन टेक हिम ऑफ योर हार्ट, एंड ही इज द मोस्ट डियरेस्ट, लाइक अ ब्रेड टू यू। अगर सांस छूट जाए तो कैसा होगा, जिंदगी ही खत्म होगी। वैसे वो भी छूट जाए तो हर हर बार हर पल में यही प्रार्थना करती हूँ, आई प्रे टू हिम दैट कीप मी ऑन द पाथ, बिकॉज अवर माइंड इज सो नॉटी। आई टेल यू द माइंड विल फाइंड 10 एक्सक्यूजेस टू लीव द पाथ,
तो इतना बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोगों को पाथ पर रखना. एज अ टीचर वी हैव टू टेक हिम टू द मास्टर, दैट्स माई जॉब. हाँ, तो एज अ टीचर क्या होता है कि लोगों को कैसे ऐसे मिलजुल के बात करना, लोगों को प्यार से बात करना, जैसे गुरु जी करते हैं वैसे करना. हाँ, और उनको गुरु जी के पास लेके जाना, वही हमारा काम है. और वो काम जितना अच्छी तरह से तुम कर लो, इतने उतनी खुशियां तुमको मिलती है. द मोर यू डू फॉर द पीपल, द मोर यू गेट द जॉय. तो यस दीदी, हाँ, आप अपने जर्नी के बारे में बताइए ना, आप आर्ट ऑफ लिविंग के पहले कैसे थे? आर्ट ऑफ लिविंग के पहले एक्चुअली ना, माय दिस प्रोग्राम इज फुल ऑफ गुरु स्टोरीज ओनली, बिकॉज मैंने एक बार एक टीचर को पूछा था गुरु स्टोरी बनाओ बताओ, तो वो टीचर बोले मेरा लाइफ इज अ गुरु स्टोरी. तब मैं नहीं थी आर्ट ऑफ लिविंग, अभी तो पता चलता है कि लाइफ इज अ गुरु स्टोरी. सो इट इज अ गुरु स्टोरी, एंड आर यू रेडी टू लिसन टू इट? या इट्स अ बिग 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 गुरु स्टोरी, लाइक यस यस अरेबियन यस नाइट्स. दीदी, लाइक अरेबियन यस नाइट, इट वी राइट। गो ऑन एंड ऑन. यू नो, आई स्टार्टेड द जर्नी बिफोर माई लाइफ वॉज हैप्पी. आई हैड एवरीथिंग. आई हैड गुड हजबेंड, डॉक्टर हेगडे, ही वॉज ऑन द सत्वा टॉप. माई टू डॉटर्स एंड आई, वी वेर वेरी हैप्पी एंड एवरीथिंग, बट समथिंग वॉज मिसिंग. एंड आई वॉज ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ बिकॉज माई पेरेंट्स वेर, माई मदर हैड अ गुरु, सो दैट गुरु कल्चर वॉज देयर इन आर फैमिली. बट आई ज्वाइन अनादर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर आई वॉज नॉट सो हैप्पी. सो वी बोथ ऑफ अस, माई हजबेंड एंड आई, सेट एट होम. एंड वन फाइन डे माई अंकल कॉल मी फ्रॉम पेंजिम एंड टोल्ड मी, संगीता लिसन, देर इज वन पर्सन, वेरी ओल्ड पर्सन, ही हैज कम, ही विल आंसर योर ऑल स्पिरिचुअल क्वेश्चंस. एंड दैट वाउ आई स्टार्टेड द जर्नी. आई कॉल्ड दैट पर्सन एट होम एंड आई टोल्ड माई हजबेंड दैट वी वोंट डू द कोर्स वोर्स, कुछ नहीं करेंगे. उनको खाना, मैं खाने को बुलाती हूँ. एंड आई कॉल्ड हिम फॉर लंच एंड एज यूजल एज वी डू, ही शोल्डर पैम्पलेट्स एंड एवरीथिंग एंड वी ऑर्गेनाइज अ इंट्रो टॉक फॉर हिम. एंड वी सेड आई एम नॉट गोइंग टू गो, एंड देन ही जस्ट पुश मी इन द कोर्स. एंड वेन आई डिड द कोर्स, आई रियलाइज दैट दिस इज वॉट यूज टू हैपन टू मी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, बट नो वन कुड टेल मी वॉट वॉज दैट. दैट वॉज ऑलरेडी हैपनिंग, दैट वॉज सुदर्शन क्रिया, मे बी, आई डोंट नो, बट आई फील द सेम थिंग वेन आई डिड सुदर्शन क्रिया एंड आई फेल्ट दिस इज माई गुरु, दिस इज माई पाथ. बट स्टिल माई माइंड वॉज वेरी नॉटी, इट वॉज नॉट रेडी टू लिसन. सो देन आफ्टर दैट वी ऑर्गेनाइज अ एडवांस कोर्स. इन एडवांस कोर्स एंड आई यूज टू टेल हिम, यू हैव टू प्रूव दैट यू आर माई गुरु. आई विल नॉट एक्सेप्ट यू एज अ गुरु, एज बिकॉज वंस यू एक्सेप्ट एज अ गुरु देन दैट पोजिशन इज फॉर इज टेकन बाई हिम, देन यू कैनॉट रिमूव हिम फ्रॉम दैट पोजिशन. सो इट वॉज अ प्रज्ञा अपराध वॉट यू से. सो वेन आई डिड द एडवांस कोर्स, द टीचर फॉरगॉट द कैसेट, सद्योजा स्वामी आई रिमेम्बर, फॉरगॉट द वीडियो कैसेट. दैट टाइम देयर वर वीडियो कैसेट्स, ही फॉरगॉट द वीडियो कैसेट एट माई होम एंड ही वेंट ऑफ टू केरला और आश्रम आई सपोज. सो वॉट हैपन वॉज, इन द नाइट वी पुट द वीडियो कैसेट एंड वेन माई सेल्फ एंड माई हजबेंड यूज टू डू सुदर्शन क्रिया, वी यूज टू गेट फ्रेगनेंस एंड वी यूज टू सर्च इन द रूम फ्रॉम वेयर द फ्रेगनेंस इज कमिंग एंड वी नेवर न्यू. सो सेम टाइम इन द नाइट वेन वी आर वॉचिंग दीदी, अगर द, थोड़ा हिंदी में भी, क्योंकि थोड़े हाँ, डाउन गए। जब हम, तो मेरे हिंदी आप समझ सकोगे ना. तो हाँ, दीदी, हाँ। रात को क्या हुआ, तो मुझे सुगंध आया. तो सुगंध आया तो मैंने सोचा किधर का सुगंध आया, तो वीडियो कैसेट पर उसी टाइम किसी ने गुरुजी को पूछा कि मैं सुदर्शन क्रिया करता हूं तब मुझे सुगंध आती है, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना. तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे अभी सुगंध आया और अभी कैसेट पर उसको प्रश्न पूछा गया, तो इसमें तो कुछ तो है. तो गुरुजी ने क्या बोला, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन माने क्या, किसी चमत्कार का लॉजिकल, तार्किक, तर्कवादी एक्सप्लेनेशन देना.
जब तुम सुदर्शन क्रिया करते हो तब तुम्हारा मन, श्वास और शरीर साथ में होता है, तो ऐसे चीजें होती है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मेरे मन में प्रश्न आया, ये जीसस कैसे दिखते हैं? तो कैसे वीडियो कैसेट पर किसने उनको पूछा, यू लुक लाइक जीसस? आई वाज सरप्राइज, द थॉट आई केम एंड द क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम देयर। तो गुरु जी बोले, हाँ आप भी यू ऑल्सो स्टार्ट लविंग एंड सर्विंग, आप भी प्यार करते रहो और लोगों की सेवा करते रहो, आप भी जीसस जैसे लगो। तो मुझे पता चला कि इधर तो कुछ है, मामला कुछ है। तो उसके बाद मैंने मानना शुरू किया। फिर हम अगस्त में गुरुजी को मिलने चले, इट वाज 15th अगस्त, एंड मायसेल्फ, माय हस्बैंड, माय बेसिक कोर्स टीचर एलएन वैद्य जी, ही वाज अ सिंबल ऑफ लव, प्यार का, बहुत ही प्यार करते थे। हाँ, वो सिंपल पर्सन मगर बहुत प्यार करते थे हमसे। तो हम लोग और हमने उनसे ही सीखा कि लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे लोगों को अपनाना है। और वो हमको लेके गुरुजी के पास लेके चले गए, और गुरुजी ने हमको विदाउट एक एडवांस कोर्स पर ही फॉलो अप क्रिया कैसे दे दी। तो फॉलो अप क्रिया कैसे, हमको प्राणायाम काउंट पता नहीं था उस टाइम में, 2000 में प्राणायाम काउंट पता नहीं था, क्या कुछ पता नहीं था, मगर फिर भी हमने शुरू किया फॉलो अप घर पे। हॉल नहीं मिल रहा था, फिर हमारे प्रवास नायक ट्रस्टी थे, अभी ट्रस्टी, तो वो आ गए थे हमारे घर। तो वो बोले, तुम्हें हॉल चाहिए ना, मैं देता हूँ हॉल, मेरा हॉल है। तो उनके उन्होंने हमको हॉल दिया, और उधर से हमारा बहुत बड़ा काम शुरू हो गया गोवा में, मड़गांव में स्पेशली। बहुत लोग कोर्स को आने लगे, बहुत कुछ हो गया उधर। और एक चीज हो गई जो मिरेकल बोले तो मिरेकल ही है, हम लोग कैसेट का इम्पोर्टेंस उतना वी नेवर न्यू दैट मच, बिकॉज वी आर जस्ट डन वन एडवांस, देयर वर नो बुक्स ऑफ गुरुजी, नो फोटोज ऑफ गुरुजी, नथिंग ऑफ गुरुजी। तो जस्ट मेरे बहन ने मुझे एक पुस्तक दिया था, नोट टू द सिंसियर शुकर पार्ट वन। तो मैंने क्या किया, वो कैसेट किसी को दिया, और हम लोग सैटरडे संडे किधर तो चले गए, तो उस आदमी से वो कैसेट गुम हो गई। तो मेरे मन में वो गिल्ट पकड़ के बैठे कि वो कैसेट गुम हो गई, किधर गई, किधर गई, कुछ पता नहीं। कितने दिनों, कितने साल वो गिल्ट मन में रह गई कि इतना सारा बढ़िया नॉलेज हमने किधर तो खो दिया। इट वॉज वेरी 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 बैड ऑन आवर पार्ट। और वो गिल्ट इतनी चुभती थी अंदर। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत सालों के बाद मैं बेसिक कोर्स टीचर बन गई, फिर हमारे घर हमारे एक टीचर आए और बोले, तुम्हारे कैसेट गुम हो गई क्या? मैंने बोला नहीं। तो फिर तो मुझे याद आया, एक कैसेट बहुत साल पहले गुम हुई थी। मैंने बोला हाँ, मगर क्या हुआ? तो वो बोला कि एक कैसेट एक टीचर बाल संस्कार केंद्र के टीचर के घर है। तो हम लोग उस टीचर के घर गए, तो वो टीचर बोली, शी सेड दैट when boy was coming for Bal Sanskar Kendra, he brought the cassette from his house, and that boy was one doctor's son, and that doctor got the cassette, the thief had robbed that person and kept the cassette on the car, and that cassette was taken by that doctor. He kept it with him for so many years, and after many years that doctor's son came for Bal Sanskar, and then he said that the cassette is with him, and that child brought the cassette and gave it to him, and then that cassette I sent to Gurudev back. So that guilt, you know, for so many years was removed after many many years. So Gurudev andar ki chuban bhi samajhte hai, you know, it was very miraculous experience after so many years, someone taking the cassette, keeping it without doing the course, and his son getting the cassette and getting it back to us was a very very great incident, I think. Aur guilt bhi chali gayi. Aur ek aisa hi incident hai jidhar mera guilt mujhe kha raha tha. Park Hyatt Hotel ka inauguration tha, aur Guruji ne
अरुण सुरु जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था और मैंने मेरे बेटी का डांस रखा भरतनाट्यम, शी वॉज सपोज टू डू आरंगेत्रम। सो आई सेड, आई टोल्ड टीचर, उसका आरंगेत्रम है तो गुरु जी के सामने वो थोड़ा देर डांस करने दो। आई थॉट द टीचर विल सेट द डांस फॉर अबाउट 10 मिनट्स, बट वेन आई सॉ इट वॉज 45 मिनट डांस एंड एवरी वन वॉज बोर्ड एंड आई वॉज ऑल्सो, मुझको भी बुरा लगा कि गुरु जी का एक एक मिनट इतना इम्पोर्टेंट है और 45 मिनट इसने क्यों किया डांस, और वो डांस 45 मिनट्स का ही था वर्णम करके। और गुरु जी उधर झूले पे बैठे थे और वो उधर नाच रही थी और गुरु जी उसको देखते रहते थे, और उधर कैमरा का कुछ गिरा था वो गुरु जी ने उठाया, और फिर बाद में क्या हुआ उसके पाँव को लगेगा इसके लिए गुरु जी जाके खुद उन्होंने उठाया। और मुझे बुरा लगा कि गुरु जी का टाइम इतने वेस्ट किया, वो भी चुभन थी। तो कई साल बाद फिर गुरु जी का वॉलंटियर मीट था, उधर दो लड़कियां रेडी थी, आरंभ होने वाला था उनका। सो देखिए मैं इन फ्रंट ऑफ गुरु जी, और गुरु जी को नमस्कार करके बोले कि हम लोग डांस करते हैं। तो गुरु जी बोले आरंगेत्रम तो पहला परफॉर्मेंस होता है स्टेज पर, इसका तो मेरे सामने हुआ था, यू नो दैट। देन आई रियलाइज दैट ही वॉच्ड इट एज आवर फर्स्ट परफॉर्मेंस, सो दैट दैट चुभन भी चली गई। सो दैट गिल्ट कॉन्शियसनेस वाज गॉन। टू ओकेजंस इट वेर वेरी वेरी मींस इन द माइंड इट वाज हर्टिंग मी। सो वन वॉज द कैसेट लॉस एंड वन वॉज माई डॉटर टुक लॉट ऑफ टाइम ऑफ गुरुजी, दैट वॉज एंड गुरुजीज टाइम, यू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। उनका एक मुंह भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, हाँ एक नजर भी कितने लाइफ बदल देती है। हाँ एक नजर की बात आई तो जैसे मेरे बहन ने मुझे बताया, वो पणजी में सत्संग ऑर्गेनाइज करने में बहुत मदद किया नीलाताई के साथ, और वो मिली नहीं गुरुजी से, वो बिजी थी, शी वॉज वॉलंटियरिंग सो शी कुड नॉट मीट गुरुजी। सो नीलाताई टू हर टू सम डिवोटीज हाउस, सो इन दैट डिवोटीज हाउस समहाउ देर वॉज रश एंड गुरुजी लेफ्ट। तो जब गुरुजी चले जा रहे थे तो इसने बोला, मेरे बहन ने बोल मन में विचार आया, मुझे देखा तक नहीं, मुझे देखा तक नहीं, ऐसा विचार आया। तो गुरुजी ने उसी टाइम पीछे मुड़कर देखा उसको और आंखों में वो प्यार था, तो उसको वो एक नजर ही काफी हो गई। हाँ एक गुरु स्टोरी और सुनना है, आर यू आर इट इज इंटरेस्टिंग यस 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 बेबी हाँ। तो और एक बात है फीवरिशनेस का, और जब हम लोग फीवरिश होते हैं, ये कोर्स करने को, वो कोर्स करने को, वो कोर्स करने को, कई लोगों को पूछाते हैं ये करना है वो करना है। एक्चुअली गुरु जी बोलते हैं तुम स्वस्थ हो जाओ, जो अपना है वो हो जाएगा। और कर्म के बारे में भी गुरु जी बोलते हैं कि तुम कौन हो कर्म काटने वाले, मैं तुम्हारे कर्म काटूंगा, तुम कौन होते हैं। हाँ तो ये बात है, जैसे गुरु पूजा करने का मुझे बहुत फीवरिशनेस था, गुरु पूजा करना है, गुरु पूजा कोर्स करना है, गुरु पूजा। दिस इज वे बैक, अभी नहीं, 2008 में शायद और 6 में। तो मेरे हस्बैंड की नई कंसल्टिंग ली थी और उसका इनॉग्रेशन ने सोचा गुरु जी करेंगे, उसी टाइम पर गुरु जी गोवा में आए, और इन्होंने गुरु जी को पूछा कि आप हमारे छोटे से डिस्पेंसरी में आएंगे क्या। गुरु जी बोले हाँ आऊंगा, एंड वी वर वेटिंग फॉर हिम। मैंने बच्चे गाना गा रहे थे, फिर कितने भजन गाए, 2 घंटे भजन सत्संग हो गए, लास्ट में वो गाना गाना शुरू किया, आ जा आई बहार ओ मेरे राजकुमार तेरे बिना रहा ना जा। बच्चे थे ना यूथ, तो तभी वो आए और हमने उनको बिठाया और पांव धोए, और हम मैं तो पाँव पे पड़ के रोने लगे दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड की। इतने जन्म का पुण्य है कि हम लोगों को ये भाग्य मिला तुम्हारे पाँव धोने के। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल मोमेंट, ऑल फीवरिशनेस इज गॉन,
सो मच ग्रेटफुल, सो मच ग्रेटिट्यूड, इतना प्यार. और गुरु जी ऐसे देखते लगे, देखने लगे कि ये पागल लोग रो रहे हैं, ऐसा भाव था उनके आंखों में, बहुत प्यारा. और उस दिन मेरा आई फेल्ट दैट दिस इज द ग्रेटेस्ट पूजा एवर आई हैव डन. और इससे बढ़िया कोई भी पूजा जिंदगी में नहीं है, नहीं होगी भी. एंड इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इवन बाय द मास्टर. और उसका अनुभव कुछ अलग ही था जो शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ. और उस दिन जब मेरा फेवरेशनेस ड्रॉप हुआ, सुन जल्दी ही मेरा गुरु पूजा कोर्स हो गया. आई फिनिश गुरु पूजा कोर्स वेरी फास्ट देन. इट वॉज सो ब्यूटिफुल. सो दैट वॉज माई एक्सपीरियंस. एंड वन मोर एक्सपीरियंस आई टेल यू, सो ब्यूटिफुल. किस किसी के घर गुरु पूजा थी. पैडल सुनाई देता है. किसी के घर पूजा थी और किसी के लोगों, कई लोगों के मन में शंका होती है ना गुरु पूजा को. कई लोगों को सत्संग पसंद होता है, कई लोगों को ज्ञान पसंद होता है, कई लोगों को सेवा पसंद होती है. तीनों में से कई को किस एक एक अच्छा लगता है. तो गुरु पूजा के बारे में कई लोगों को कुछ डाउट था. तो मैंने बोला कि गुरु जी को कि मैं पूजा नहीं करूंगी, तुम है तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा, तुम हो इधर, यू आर देयर, यू हैव टू शो योर एग्जिस्टेंस. और जिसके घर पूजा हो रही थी वो एक आर्डिक से लेस का बच्चा था, उसके घर वो सत्संग और पूजा थी. तो मैंने वो गुलछड़ी होते है ना व्हाइट, वेरी हैवी फ्लावर होता है वो मैंने डाला तो नीचे आके चिपक गया फोटो को. वो ऐसा चिपका कि तो नीचे गिरा ही नहीं. और सब लोग देखते रहे. और नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे वो फूल नीचे गिर गया. ये गुरु पूजा का एक्सपीरियंस है. और गुरु पूजा से बहुत लोगों के काम होते हैं. जब किसी का कुछ प्रॉब्लम हो तो हम जाके गुरु पूजा करते हैं तो बहुत काम होते हैं. कैसे होते हैं, क्या होते हैं पता नहीं है. और गुरु जी जब आते थे ना तो मुझे इतना क्रिएटिविटी आती थी. 2-3 बार मैंने ही स्टेज का डिजाइन स्केच करके दिया था. एक बार गोवा में फर्स्ट टाइम सत्संग हुआ तब हमने फेज 1 किया था TTC. और पहला ही सत्संग था वैसे. और थोड़े ही लोग थे हमारे साथ, प्रवास भाई और डॉक्टर श्याम प्रभु गांवकर, ऐसे 4-5 लोग थे जिन्होंने मिलके 10,000 का क्राउड. और बाकी के वॉलंटियर टीचर थे बहुत ही कम, 5 लोग. नीलाताई फर्स्ट टीचर थे, बाकी के फेज 1 वाले थे, 5 टीचर थे हम लोग. तो 10,000 का क्राउड फर्स्ट टाइम आया था गोवा में. और उधर बहुत बढ़िया सत्संग रहा. उसका स्टेज का डेकोरेशन कैसे मैंने किया. फिर पणजी का सत्संग जिधर बारिश हो गई. नीलाताई ने बोला, सुना होगा आपने नीलाताई का सेशन, बारिश हो गई तो गुरुजी ने बोला प्रकृति के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है. हाँ, हम जब बोलते हैं तब बारिश होती है, जब बोलते हैं तब बारिश बंद हो जाती है. तो उधर उधर का स्टेज का मैंने बैकड्रॉप किया था, डिजाइन नेट डाला था. नेट पर वो बादल और बोट निकाली थी उन्होंने, इसके लिए बारिश है ऐसे गुरुजी बोले वो था. और सबसे बढ़िया हमने मड़गांव में किया था, हाफ कोकोनट करके उसमें गुरुजी का आसन डाला था. तो गुरुजी बोले अरे आपने तो मेरा इंट्रो तक बहुत आसान किया है, तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, ये बाहर का छिलका है ना वैसा अपना बॉडी चाहिए घट एकदम. और जो बाहर का वो बाल होते ना कोकोनट के, वो तो शॉक एब्जॉर्बर है, जो कुछ होता है तो शॉक एब्जॉर्ब करता है. और आपका बदन ये छिलके जैसा होना चाहिए. और आपका मन ये अंदर के वाइट जो होता है ना मलाई, उसके जैसा होना चाहिए. हाँ, और पानी है वो प्यार का प्रतीक है, वो तुम्हारा प्यार का प्रतीक है. तो आर्ट ऑफ लिविंग के सब ये इसमें आए हैं. तो आपने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया ऐसा बोले. तो उनका बहुत ही कमेंट रहता था हर एक पर. तो क्रिएटिविटी अपने आप ही आती है गुरु के साथ. आपको भी अनुभव आया होगा, सब लोगों को, दैट क्रिएटिविटी फॉल्स इन इट्स प्लेस व्हेन गुरु इज देयर.
There is no end to the creativity. You start writing poems, you start doing some different things, and people around you are surprised how you do it. You want to listen more? Arabian Nights? Yes, Didi. Yes, yes, Didi. Yes, Didi. Are they good stories? Very interesting. Yes, yes, very interesting. Very, very much very, interesting. Very, okay. Very inspiring. So I'll tell you one more story. This is a story is about myself, you know, my health condition. So I had a difficult health conditions, but I never think I'm unhealthy. Okay? I know I'm healthy. Like once something happened, so Guruji said, Guruji ne mujhe aise thappad maar ke bola, tumhare brain ko kuch nahi ho gaya hai. So then I thought, okay, he has said like that, no, so nothing is going to happen to me. That was, and then while giving my cassette, when I became a basic course teacher, aankh mein aankh dal ke dekha, khush ho, are you happy? You cannot say no, no. I said yes. And I said, I'll never ask him about my health. Okay. And then I used to take neck to neck courses also. So one doctor told me, I'll cure you and I'll give you medicines. Okay. So it was a disease which is not curable actually. So he started giving me medicines. So one day he called me, he said, come with the husband. And I went there. And then he said, you have to stop doing Sudarshan Kriya because whatever medicine I am giving, that has to have a effect. Uska effect tum par hota hai ya Sudarshan Kriya ka effect hota hai, mujhe dekhna hai. To tumhe Sudarshan Kriya band karne hogi aur mera hi medicine lena hoga. Abhi to question ye hai ki main logo ko Sudarshan Kriya deti hu, uske bare mein bolti hu, main kaise band kar sakti. और मैं तब साकली में कोर्स लेती तो 60 किलोमीटर और 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय सिटी, तो मुझे ड्राइविंग नहीं आता है और मैं सीखना भी नहीं चाहती थी क्योंकि काम थोड़ा कम होता है, नहीं तो सब काम लेडीज हैव टू डू ऑल द वर्क, सो इट इज बेटर इफ यू डोंट नो सम ऑफ द थिंग्स. सो व्हाट हैपेंड वाज दैट डे आई वाज वेरी एंग्री विद गुरुजी. I looked at Guruji's photo and मैंने बोला तुमको पता भी है संगीता हेगड़े नाम की एक औरत है, तुम तो उसके हस्बैंड का नाम जानते हो, उसके बच्चों का नाम जानते हो, सबका नाम जानते हो, मगर मेरा नाम नहीं जानते. तुम्हें पता है मेरा हेल्थ अच्छा होता तो मैं अच्छी काम करती हूँ, इससे अच्छा काम करती. एक्चुअली आई वॉज अ ट्रेवलिंग दैट टाइम टू कोल्हापुर बेलगाम, सब आर्ट एक्सेल टीचर नहीं होते थे उतने, तो मैं जाती थी पर फिर भी मुझे और काम करना था, कितना भी काम करो कम ही लगता था. तो मैंने सोचा कि आई थॉट आई विल आई एम गोइंग टू साकली. सो आई टोल्ड हिम, डू यू नो दैट देयर एग्जिस्ट अ पर्सन कॉल्ड संगीता हेगड़े, डू यू नो हर नेम ऑल्सो. सो एंड आई वेंट टू साकली 50 किलोमीटर्स. आई स्टार्टेड अ क्लास, क्लास शुरू हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट आया जो बहुत मुझे अच्छा लगता है क्योंकि जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हो ना, आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो सब कंप्लेंट्स बंद हो जाता है. तो पॉइंट में पैशनेटली बोलती हूँ. तभी मुझे फोन आया कि वासंती अय्यर को, तब वासंती अय्यर एटीसी थी, वासंती अय्यर को गुरु जी ने जर्मनी से फोन किया और बोला कि गोवा के संगीता हेगड़े को टीटीसी असिस्ट करने को बुलाओ. आई स्टार्टेड क्राइंग इन द कोर्स ओनली. अरे और मुझे इतना अच्छा लगा, टीटीसी असिस्ट छोड़ो, गुरुजी ने मेरा नाम लिया, मेरा नाम उनके मुंह से आया, तो इतना मुझे अच्छा लगा. दिस इज द बिगेस्ट मिरेकल एवर आई फील दैट आई सेइंग टू हिम एंड देन ही रिस्पॉन्डिंग टू इट फ्रॉम जर्मनी. इससे और बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता. हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. तो ये बहुत बढ़िया बात थी जो हो गई. और वन थिंग आई एम गिफ्टेड विथ, आई नो हु इज फिट फॉर व्हाट, कौन किसके लिए अच्छा है. सब काम करते हैं इसका मतलब सब टीचर बनते हैं ऐसा भी नहीं है. तो
तो सब कोई गुरु पूजा टीचर बन सकता है, कोई बाल संस्कार, वो जानने का जो है ना वो मुझे गुरु जी ने दिया है, वो गिफ्ट आई कैन नो हु इज व्हाट एंड वेयर। और वॉलंटियर्स से टीचर तक कैसे पहुंचाना, ये भी बड़ी बात है ना भैया, व्हाट डू यू थिंक? यस हाँ, वॉलंटियर्स, सभी वॉलंटियर्स टीचर नहीं बन सकते, और टीचर ही सब, सभी टीचर्स वॉलंटियर्स है, बराबर है ना? सभी टीचर्स वॉलंटियर्स है, बट सभी वॉलंटियर्स टीचर नहीं बन सकते, क्योंकि हर एक का अलग-अलग फ्लेवर होता है। सो दैट आई नो एंड आई फील दैट आई हैव नर्चर्ड मेनी 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 सोल्स। फॉर एग्जांपल, गुरुजी ने गोवा में पहले टीचर भी बनने को कोई तैयार नहीं थे, फर्स्ट 5 टीचर्स वर देयर, आई वाज ओनली 8 एक्सीलेंट 4 बेसिक कोर्स टीचर, सब बेचारे काम करते थे। तो फिर एक टीआर को गुरुजी ने हमको देख के बोला कि आई वांट 20 टीचर्स फ्रॉम यू। एंड जैसे गुरुजी ने बोला ना, फटाफट टीचर होने लगे। अभी गोवा में 56 टीचर्स है, बहुत सारे। तो वो नर्चरिंग है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एज अ वॉलंटियर ऑल्सो एज अ टीचर ऑल्सो, और बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे हम लोग, मेरा तो ऐसा है कि जब वॉलंटियर आता है तो एक बच्चे जैसा ही मैं उनको, आई ट्रीट देम लाइक माई चाइल्ड, वी विजिट देम, वी टॉक टू देम, आई स्कोल्ड देम ऑल्सो, माई हस्बैंड सेज व्हाई यू आर डूइंग इट, बट यू नो प्यार होता है तो ऐसा भी हो जाता है ना। तो मैं बोलती भी हूँ उनको कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, क्योंकि तुमको गुरु से जुड़ जाना है तो तुम्हारे टीचर को, एक टीचर को पता होता है कि तुम्हारा गुण क्या है, एक नर्चर करता है तुमको, तो उसके साथ जुड़ जाना, तो उसके ही साथ जुड़ जाना, क्योंकि वो तुमको गुरु तक पहुंचता है, पहुंचाता है। द होल वर्क इज टू टेक यू फ्रॉम द वॉलंटियर टू द डिवोटी, फ्रॉम अ वॉलंटियर टू योर डिवोटी, एंड दैट इज द जॉब ऑफ अ टीचर। सो द मोर सक्सेसफुल टीचर विल बी हैविंग मोर डिवोटी, एंड दैट्स इट। और कुछ है भैया? अद्भुत अद्भुत दीदी, ये इतना जबरदस्त आपने बता दिया। एंड हाँ रियली हम लोग को कभी कभी ऐसा लगता है ना, गुरुदेव मतलब इतनी भीड़ है चारों तरफ, एकदम लोग ही लोग है, लेकिन गुरुदेव कैसे फिर भी हमारे साथ रहते हैं टाइम टू टाइम, एंड हाउ हाँ ही टेक्स केयर, दैट्स इस, रियली और एक बात मैं जो बतानी थी कि कैसा मेरा 2 टाइम गुरुजी ने लाइफ सेव किया, सुनना है? यस हाँ, इट्स अ बिग मिरेकल। अगेन, द लाइफ इज एक्चुअली फुल ऑफ मिरेकल्स, वी टेक इट सो मच फॉर ग्रांटेड। लाइक मेरा, हमारी बारिश हुई ना पहले दिन, दूसरे दिन भी बारिश होने लगी, तो मेरी बहन को बोला, अरे बारिश थम जाएगी, तुम डरना है। वो बोलते हैं, दीदी मिरेकल डोंट हैपन अगेन एंड अगेन, आई सेड इन द आर्ट ऑफ लिविंग इट हैपन्स, इट्स अ डेली डेली बेसिस पे हो जाते हैं। हाँ, तो फिर एक बात है अज्ञातवास की, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अज्ञातवास की पहले बताऊंगी, फिर एक्सीडेंट की बताऊंगी। अज्ञातवास में गुरुजी रघु स्वामी विष्णुपाल स्वामी के साथ एक बार गोवा आए, और मेरे पिताजी तब चल बसे थे, जस्ट 12 डेज एट गॉन, एंड आई वॉज वेरी वेरी इन पेन, बिकॉज ये बहुत सफर हो गए थे। सो गुरुजी आए अज्ञातवास में और मूकाम्बिका चले गए, और जाते वक्त उन्होंने एक फ्रूट लाया जो मेरे पिताजी को बहुत पसंद था। तो बोले, ये कौन सा फ्रूट है, वो गोवा में ही मिलता है। तो मुझे अच्छा लगा, चलो पिताजी के 12 दिन को वो मिला नहीं था, किसी ने लाके रखा था, तो गुरुजी लेके गए। फिर गुरुजी वापस आए मूकाम्बिका से, जो बेंगलोर जाने वाले थे वो वापस आए, और बोले, एक दिन मैं खाना बना के लेके गई, और एक दिन बोले, अरे क्या करेंगे हम लोग, सत्संग करेंगे? नहीं, जगह कम है, तो हम लोग सुदर्शन क्रिया का कैसेट करेंगे, तुम टीचर्स अपने एक एक वॉलंटियर को बुलाना। तो हम 5 टीचर्स थे, तो 5 टीचर्स में एक एक वॉलंटियर मिलके 15 16 लोग होंगे, सब लोग बैठे, गुरुजी ऐसे बैठे हमारे सामने, कुछ भी डिस्टेंस नहीं हम में और गुरुजी में,
और मेरे हस्बैंड ने पूरा स्टूडियो लेके आए रिकॉर्ड करने के लिए। फिर गुरु जी ने फुल मून मेडिटेशन लिया और उसके बाद फुल क्रिया ली खुद, और हमने सामने बैठ के क्रिया की गुरु जी के साथ। और फिर वो क्रिया कैसेट निकाल के वो उस मशीन से वाइप ऑफ करके मेरे हस्बैंड 1 बजे घर पे आके खाना खाया। तो विष्णु स्वामी बोले, वो विष्णुपाद स्वामी बोले, ये सबसे बड़ी सेवा तुमको मिली है और वी आर रियली लकी, 15-16 पीपल। और फिर मैंने गुरु जी को बताया, गुरु जी मेरे पिताजी चल बसे, बहुत ही दुख हुआ। हाँ, इसके लिए मैंने मुकाम्बिका से मैं वापस आया, नहीं तो मैं उधर से ही जाने वाला था। इट वॉज सो टचिंग, यू नो, इट वॉज एज इफ माई फादर वॉज विथ मी। इसके लिए मैं मुकाम्बिका से वापस आया, इसके लिए मैं, नहीं तो मैं वापस नहीं आने वाला था। सो यू कैन फील योर पेन, एंड हु कैन फील योर पेन? वन हु लव्स यू विदाउट टॉकिंग ऑल्सो, मदर नोज द चाइल्ड इज इन पेन। Same with the teacher should also know when the volunteer is in pain, and the volunteer also should know when the teacher is in pain. Oh, it's a two-sided relationship, na? So, अभी accident के बारे में बताती हूँ। तो Arabian Nights हो रहा है, हाँ, हाँ भैया आप बोलो। और ये वाला story, the accident कैसे, मतलब क्या था? कैसे accident हुआ? दो बार accident हुआ, लाइफ मेरा बच गया। और इफ यू सी द बिगर पिक्चर, द एक्सीडेंट वेर मेंट फॉर मी टू एक्सपीरियंस द ग्रेस। ऐसा हुआ कि गुरुजी गोवा में आए थे और हमने कार रैली निकाली थी, तो कार रैली में सबसे आगे एक जीप थी और बाकी के सब लाइन में कार खड़ी थी। सो व्हाट हैपेंड वाज द जीप वाज front, this side and this side, all opposite side, all cars were there. So the jeep person had put the jeep in the reverse and he had gone, the driver. So कई बच्चे वो जीप में बैठना चाहते थे, मैंने क्यों पता नहीं उनको उठाया, मैंने बोला तुम आगे मत बैठो, पीछे जाके बैठो कार में। और उसने जीप स्टार्ट किया तो जीप इधर से इधर आई opposite direction में, और ऑपोजिट डायरेक्शन वाले ने कार स्टार्ट की, तो जीप और कार के बीच में मेरे दोनों पांव, नो, दे गॉट कॉट इन जीप एंड द कार, एंड आई क्लोज माय आईज एंड जस्ट सेड जय गुरुदेव, एंड आई रियलाइज व्हाट इज प्रेजेंट मोमेंट रियली, एंड आई डोंट नो हाउ देयर वाज अ गैप क्रिएटेड, व्हाट हैपेंड, एवरीवन थॉट आई वाज डेड बिकॉज द इट बैंग्ड, द पर्सन एट द बैक वाज सेइंग अगो तू मुझे गाड़ी पर ना मरतले आशिले, मीन्स अरे यू वुड हैव डाइड अंडर माय कार, एंड ही वाज स्वेटिंग एंड आई वाज, नथिंग हैपेंड टू मी, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, हाउ हैपेंड, जस्ट दैट मोमेंट वाज टोटल ग्रेस। एंड नेक्स्ट डे व्हेन गुरुजी केम, आई टोल्ड हिम, गुरुजी यू सेव्ड माय लाइफ, ही जस्ट स्माइल्ड, ही स्माइल्स एज इफ ही हैज नॉट डन एनीथिंग, यू नो दैट द स्माइल, डोंट यू नो, you say him the great thing and he will say, he'll just smile it off as if he doesn't know. And the second time was, I was going for an advanced course with our Shyam Bhai, and we were 5 of us in the car laughing and going, and we were going this side, Ponda side, and the car, the truck came from this side and it banged into the car, and it banged into the side where I was sitting. The car turned on 3 wheels and opposite side, the whole car was crushed. People stopped thinking one person is at least dead. Nothing happened to me. I was full of glass. The glass was broken, the window was broken, and the car was completely gone. Nothing happened to anyone, in fact. It was the second experience of grace. And the grace just flows into my life. I don't know. So, that's it, how it happened. So how much time we have? Didi, wonderful. वैसे तो time हो गया है. अच्छा. मैंने बोला ना Arabian Nights. Love to hear more from you. तो उसके लिए एक बार हम part 2 करेंगे. क्योंकि कैसा है कि दीदी ये एक ऐसी journey है which will
which is currently also inspiring a lot of people. And this all stories give power to devotees and give means solace. He like, okay, someone is there, don't worry. So it was really wonderful having you, Didi. And जो भी लोग देख रहे हैं अभी इस सेशन को, I'd also say कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, शेयर दिस. This is going to help a lot of people. And जो लोग पहली बार आए हैं, do subscribe this channel also. And yes, किसी भी कहना है स्वर्णा दीदी? बहुत अच्छा सेशन था, गूज़बम्प आ रहा था बहुत, यानी I could not हिल भी नहीं रही थी मैं. I was 100% hearing. Very nice session, very good. Worth hearing, and you have to come second time. Thank you so much, Jai Gurudev. Sudha Didi. Yes, Jai Gurudev, आपको वापस आना ही है क्योंकि आपका story is really amazing. इतना अच्छा लगा कि आप the living example, आप आके और लोगों को inspire, inspiring session है, सबको शेयर करना चाहिए. मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सेशन मैक्सिमम लोगों को शेयर करे ताकि सबको ये आपके अनुभव होना चाहिए. रियली इंस्पायरिंग सेशन, थैंक यू वेरी मच. आप और एक बार आइएगा. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. Yes, yes. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Didi, Jai Gurudev, everyone. मेरा नाम सीता राठी है. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अभिषेक. मैं जब भी सेशंस देखती थी गुरु स्टोरी के, मैं हमेशा प्रेयर करती थी मेरे टीचर्स कब आएंगे, बिकॉज डॉक्टर हेगड़े और संगीता दीदी मेरे फर्स्ट टीचर्स है. एंड आई एम सो ब्लेस्ड के आज इनके वजह से मैं पाथ पे हूँ, इन्होंने मुझे गुरु दिया है. एंड दिस हैज चेंज माई लाइफ. मतलब मैं बता नहीं सकती दीदी और डॉक्टर मेरे लिए क्या है. लोग गोवा में जाके अक्सर यू नो मौज मस्ती करते हैं, अक्सर कोई उनको व्यसन लग जाता है, नशा चढ़ जाता है, नशे जाके करते हैं. मैं और मेरे हस्बैंड रोहित हमेशा बोलते हैं अच्छा है हम लोग को गोवा जाके गुरु का आर्ट ऑफ लिविंग का व्यसन लग गया और गुरु का नशा चढ़ गया है. तो दिस इज द बेस्ट थिंग हैपेंड टू अस आफ्टर गोइंग टू गोवा. एंड आई एम सो थैंकफुल टू संगीता दीदी बिकॉज आज उनके, मैं हमेशा छोड़ती थी मुझे नहीं करना है यार. मैं हमेशा जब भी मैं सोचती थी कि मुझे बस आर्ट ऑफ लिविंग अब छोड़ना है, अब मैं बोर हो गई हूँ, पता नहीं दीदी का मुझे कॉल आता था और मुझे बोलते थे मुझे यहाँ लेके चल, मुझे वहां लेके चल. एंड शी एक्चुअली यू नो शी होल्डेड मी टाइट स्ट्रॉन्ग एंड शी नेवर 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 यू नो लीव मी इन एनी सिचुएशन, चाहे कुछ भी हो जाए. और कभी मैं अगर उदास भी रहूँ तो पता नहीं अचानक दीदी का फोन आ जाता है और बोलती देख मैं विशालक्षी में हूँ एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू. एंड आई थिंक आपको कैसे पता चल जाता है कि मुझे आपकी जरूरत है. एंड थ्रू हर, थ्रू डॉक्टर, I can see my guru, and I'm so thankful to both of them. Thank you. Even I am very much thankful. They both kept us on path. They used to continuously keep us calling, come for satsang. We didn't have a vehicle that time, so they used to manage people. Ki someone takes us with them and take us to the satsang. मतलब बहुत अच्छे moments उन्होंने गोवा में हमें experience कराया. और हम मुंबई shift हुए तो हमें हमेशा उन लोगों ने, जब भी गुरुजी आ रहे हैं, रोहित एंड श्वेता यू कम डाउन टू गोवा, गुरुजी इज देयर. सो दैट्स इट. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. एब्सोल्युटली वंडरफुल. थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच. यू आर डूइंग सच अ वंडरफुल वर्क. आई मीन सो थैंकफुल. थैंक यू सो मच. ऐसे ही अभी गोवा सीजन चल रहा है एंड वी फील दैट हम लोग गोवा में फिजिकली नहीं है बट टीचर्स के थ्रू हम लोग गोवा को देख पा रहे हैं. वी आर इमेजिनिंग द कूल, इमेजिनिंग द कूल वेव्स कमिंग. एंड एक्चुअली ये ऐसा मीन्स संगीता दीदी आपने सेशन दे दिया है ना, इट विल हील अ लॉट ऑफ पीपल इन द फ्यूचर आल्सो. सो दिस इज नॉट फॉर टुडे, दिस इज फॉर द कमिंग एजेस टू कम व्हाट वी आर डूइंग इन दिस. एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हाई सत्वा टॉक्स इज फेमस फॉर. आपके जैसे जो टीचर्स आते हैं वो ऐसा एक मतलब हील करते हैं ना, ये ऐसे सेशंस है विच इज एक्चुअली बेनिफिटिंग अ लॉट ऑफ पीपल. एंड दीदी वो तो आप देखिएगा कमेंट सेक्शन में. एंड दीदी जाने से पहले आई आल्सो वांटेड टू टेल संगीता दीदी कैसे टीचर है. अगर वो सपोज मतलब
कितने भी पेन में हो शी मस्ट बी इन द हॉस्पिटल सिटिंग ऑन द बेड, वो वहां बैठकर भी उनके दिमाग में वही चलता रहता है किसको रजिस्टर करो क्या, वहां पे बैठे बैठे भी शी विल डू द रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्सेज एंड शी हैव डन इट रिसेंटली. सो शी इज अमेजिंग टीचर एंड व्हाट एवर शी स्पीक्स राइट फ्रॉम हर हार्ट. Yes, yes, yes. We are witnessing it. Thank you so much for your the love you have given me. Thank you so much, Abhishek ji. Thank you for bringing me in this session and letting me speak. Thank you so much. Thank you so much, Didi. It was really a pleasure having you here. But right now we are in Bangalore, huh? Yes, yes. Yeah. Yes. लेकिन वैसे तो आप गोवा में हो ना, मतलब भाई वैसे हाँ काम वहां से किया. सो यस थैंक यू सो मच. एंड पार्ट टू जिन जिन को चाहिए आप लोगों को पता है आपको करना क्या है, वो सारी चीजें कर दो. अगर नहीं पता क्या करना है तो आप पीछे के सेशन देखो, वहां पर मैंने बोला है. थैंक यू सो मच. थैंक यू जय गुरुदेव.